हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी विषय के पाठ योजना पर चर्चा करेंगे। जैसा यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर दिनांक मेंशन करेंगे, यहां पर कक्षा चक्र अवधि और इसके साथ ही साथ सबसे फ्रंट पे यहां पर पाठ योजना 1, 2, 3 जो भी होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद विषय, उप विषय, प्रकरण और विद्यालय का नाम, इसी प्रकार आपको पाठ योजना तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य दिए हुए हैं, तो उद्देश्य में जो सबसे पहला उद्देश्य दिया हुआ है ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर अगला जैसे दिया हुआ है अवबोधात्मक उद्देश्य, और इसमें 2 पॉइंट रहेंगे, आपको अपने प्रकरण के अनुसार यहाँ पर जो कंटेंट है वो लिखना है। इसी प्रकार जो आपका अगला है भावात्मक उद्देश्य क्या है, अभिरुचियात्मक उद्देश्य क्या है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है उनको आप नोट करते रहेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो पाठ है प्रकरण काकी के ऊपर बनाया गया है, तो कभी भी आपको इस प्रकार से लेसन प्लान आप तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काकी का पाठ योजना है, आगे देखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें 2 पॉइंट इसमें भी दिए हैं कि आखिर जो बच्चा है वो किन किन चीज़ों में कौशल विकसित कर सकेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार अभिरत्यात्मक उद्देश्य या एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स भी इसे बोलते हैं कि छात्रों में काकी के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी। इस प्रकार के आपको अपने प्रकरण के अनुसार यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखने हैं। इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स स्किल, तो उसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट है सहायक सामग्री, स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है उसको आप लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है। फिर पूर्व ज्ञान कि आखिर जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित छात्र छात्राएँ पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी के साथ ही प्रस्तावना प्रश्न, अगला पॉइंट जो रहेगा प्रस्तावना प्रश्न, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, तो जैसे इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन, तो जिगजैग टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए। जो पहला प्रश्न है इसका जो आंसर होगा उससे जो दूसरा जो प्रश्न होगा वो तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, फिर तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न में होने चाहिए और मैक्सिमम 5 प्रश्न होने चाहिए। जो चौथा या पांचवा प्रश्न हो वो समस्यात्मक प्रश्न हो। इसके बाद उद्देश्य कथन कहा जाएगी कि आज हम सब काकी के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो ये उद्देश्य कथन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एक प्रस्तुतिकरण इसके बाद किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो हिंदी का जो पाठ योजना होती है उसमें अनुवृत्ति होती है, स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पहली अनुवृत्ति ये दिया हुआ है, जो भी पैरा रहेगा उसकी स्टार्टिंग के 1-2 शब्द यहाँ पर लिखेंगे और अंत के 1-2 शब्द यहाँ पर लिखेंगे, और इसी प्रकार डॉट 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 बना देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रथम अनुवृत्ति में दिया है आदर्श वाचन, जिसे बोलते हैं मॉडल रीडिंग, तो ये छात्र छात्राओं से कराया जाता है। छात्र जो हमारे पीपल टीचर हैं जब वो बोलते हैं उसको बच्चों फॉलो करते हैं। अब इसके बाद इसी के साथ जैसा आप देख रहे हैं अगला भी अनुवृत्ति के अंतर्गत अनुकरण वाचन इमिटेशन रीडिंग भी आता है। इमिटेशन बोलते हैं तो इसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो टीचर को खासकर ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं। फिर उच्चार संशोधन भी कि जो स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं उसको टीचर के द्वारा पीपल टीचर के द्वारा उसे करेक्ट कराया जाता है। तो हिंदी ये जो पाठ योजना है इसी प्रकार फिर छात्र छात्राओं से जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है साइलेंट रीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं मौन वाचन कराया जाता है 2 मिनट का, और इसी के बाद बोध प्रश्न भी कराए जाते हैं। तो ये काकी जो प्रकरण है उसका एक पूरा लेसन प्लान है। इसी प्रकार बोध प्रश्न के अंतर्गत दूसरा प्रश्न श्यामू ने क्या देखा, इस प्रकार से तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ फिर जो है तुरंत द्वितीय अनुवृत्ति भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर भी है, और यहाँ पर भी पैरा के 1-2 शब्द स्टार्टिंग के आप लेंगे, फिर यहाँ पर डैश डैश करते हुए ये अंतिम शब्द भी यहाँ पर लिखेंगे। और इसी के साथ फिर उसी प्रकार आदर्श वाचन, और इसके बाद आपके सामने
फिर जो है आपका अनुकरण वाचन रहेगा, फिर उच्चारण संशोधन, फिर उसी प्रकार जैसे प्रथम अनुवृत्ति में हम लोगों ने किया था सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो की जाती है। मौन वाचन कराया जाएगा और इसी के साथ साथ बोध प्रश्न भी वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे प्रथम अनुवृत्ति में पूछे गए थे। तो ये पहला बोध प्रश्न है, इसी के साथ ही साथ ये जो है दूसरा यहाँ पर आपके सामने आएगा। ये दूसरा बोध प्रश्न है जो स्क्रीन पर है आपको, फिर ये तीसरा प्रश्न है बोध प्रश्नों के अंतर्गत, ये चौथा बोध प्रश्न है और इसी के साथ साथ ही श्यामपट कार्य जो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है जो कि 3:2 के रेशियो में आपको इसी प्रकार ब्लैक सा जो है चार्ट पेपर लेना होगा और उसमें स्पार्कल पेन से इस प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होगी जिसे श्यामपट सारांश भी कहा जाता है। तो ये भी आपको लिखना होगा जो भी पाठ योजना के दौरान आपको लगता है कि ये प्रश्न हम ये चीज़ों को लिखेंगे इन इन शब्दों को लिखेंगे तो उसे बोलते हैं श्यामपट प्रयोग या श्यामपट कार्य, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसी के साथ ही साथ लेखन एवं निरीक्षण कार्य कि छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी और छात्रों का लेखन कार्य देखेगी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्क होता है कक्षा में। और इसी के साथ साथ पुनरावृत्ति प्रश्न भी जैसा आपके सामने स्क्रीन में दिए हुए हैं 5 प्रश्न जो आपने वहाँ पढ़ाए हैं 45 मिनट में उनको एक रिकैप्चुलेट किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न, और अंत में यह गृह कार्य जैसा आपके सामने है कि छात्र छात्राओं को अगले दिन के लिए कुछ कार्य दे दिया जाता है तो वो बच्चा नोट करके लाता है कि माँ के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखे। तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ्य योजना बना हुआ है जो आपको मैंने दिखाया है और यह जो प्रकरण है काकी के ऊपर आधारित है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।